तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ ह्लीं अग्ले परमेश्वरी ह्लीं ॐ स्वाहा। ॐ क्रीं क्रीं भूतनाथाय नमः। ॐ सिद्धाश्रमाय नमः। आज गुप्त नवरात्रि के इस पावन शक्तिमय और पवित्र अवसर पर मैं अपने सभी भक्तों शिष्य साधकों एवं श्रोताओं को दिल से आशीर्वाद दे रहा हूँ और इस गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ। हमारे देश में भारतीय संस्कृति में चार नवरात्रियों का वर्णन है, दो प्रकट दो गुप्त। उसमें से ये अब जो आज से शुरू हुई है ये गुप्त नवरात्रि है। गुप्त नवरात्रि का तात्पर्य है कि लोग न जान सकें और हम देवी की शक्तियों को अर्जित करते रहें। ऋषियों ने इसको गोपनीय बना दिया, आम पब्लिक के प्रचार में इसको नहीं लाए, लेकिन साधक वर्गों को इसका ज्ञान है। तो हर साधक को चाहिए कि वो इस नवरात्रि का पूरा लाभ ले। जितनी साधना तपस्या जप तप पूजा पाठ जो कुछ नियम हम नवरात्रि में प्रकट वाली नवरात्रि में पालन करते हैं वो सारे नियम हमको इस गुप्त नवरात्रि में पालन करके अपने जीवन को महान बनाने का प्रयास करना चाहिए और देवी की किसी भी शक्ति का सहारा लेकर के नौ दिनों में उस शक्ति को साधना के माध्यम से प्रकट करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। एक भी शक्ति अगर जीवन प्रकट होती है तो पूरा जीवन खुशहाल बना देती है। और महाविद्याओं की साधना पूर्णता की साधना है, महाविद्याओं की साधना सौभाग्य की साधना है, सर्वशत्रु बाधा निवारण की साधना है, उसमें भी बगलामुखी साधना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। वैसे तो सभी साधनाएं महान हैं, दुर्गा काली बगला महालक्ष्मी, जिसको जो समझ में आए उसका सहारा ले। मैं बगलामुखी की माता के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में परिचय दे दे रहा हूँ कि इस समय हम गुप्त नवरात्रि में उनकी पूरी सहायता लें। रात को बैठ करके दिन के काम से फ्री हों तो रात को बैठ जाएं एकांत में, दिया बत्ती जला लें, सामने माँ का चित्र हो, यंत्र हो, माला हो, गुरु का फोटो हो, भैरव जी का कोई विग्रह हो रक्षा के लिए और शिव की फोटो साथ में हो। तो उस अवस्था में अगर हम बगला माँ की साधना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे सारे शत्रुओं का स्तंभन होता है। शत्रु गरीबी भी है, शत्रु दुर्बुद्धि भी है, शत्रु कुबुद्धि भी है, शत्रु दुष्कर्म भी है, दुष्कर्म की प्रेरणा भी शत्रु है। और हर वह चीज़ जो हमारी मानसिक शांति और हमारे आध्यात्मिक और भौतिक जगत की उन्नति में बाधक हो, बाधा करे, उसको शत्रु कहा जाता है। तो शत्रु अंदर भी हैं, शत्रु बाहर भी हैं, शत्रु परिवार में भी, शत्रु देश में भी, शत्रु विदेश में भी, और शत्रु पूरे ब्रह्मांड में भी हैं। शत्रु नवग्रह हो सकते हैं, शत्रु ब्रह्मांड की अधिक शक्तियाँ हो सकती हैं। कई जन्मों के हमारे कर्मों के फल भी हमारे शत्रु हो सकते हैं, अगर बुरे कर्म हमारे संचित हैं तो उन सभी को धीरे धीरे क्षय करने के लिए हमको बगलामुखी माता की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि बगलामुखी अखंड वैभव प्रदात्री देवी है, धन वर्षिणी है, स्वर्ण प्रदायिनी देवी है, सर्वशत्रु स्तंभिनी देवी है। शत्रुओं के विनाश में तो बगलामुखी माता से बड़ी कोई देवी मानी नहीं जाती और इनकी साधना से लक्ष्मी स्थिर होती है, क्योंकि बगलामुखी और लक्ष्मी दोनों समुद्र से उत्पन्न होती है। समुद्र में विष्णु का निवास है, विष्णु की तपस्या से बगला माँ प्रथम बार प्रकट हुई हैं, तो समुद्र का बड़ा भारी संबंध है बगला से लक्ष्मी से और आपस में बगला और लक्ष्मी का भी बहुत बड़ा संबंध है। तो शुद्ध सात्विक विचार से सात्विक मार्ग पकड़ के गुरु के द्वारा बताए हुए उपदेश पर चल करके उनके द्वारा प्रदर्शित और निर्देशित साधना मार्ग को अगर हम ग्रहण करके उस पर चलते हैं तो हमारा कल्याण होता ही है। मैं तो यही कहूँगा कि सभी साधक इस नवरात्रि में बगला माँ की आराधना करें और अपने जीवन को सफल से सफलतम बनाएं, क्योंकि उसके तुरंत बाद गुरु पूर्णिमा का अवसर आ रहा है। जिस दिन हमारी विजयदशमी होती है गुप्त नवरात्रि की, उसके अगले दिन एकादशी होती है, उसी दिन सारे देवता सो जाते हैं। इसका मतलब है कि अब देवबल ब्रह्मांड में काम कम करेगा या नहीं कर पाता है, उस समय गुरु पूर्णिमा प्रकट होती है। तो गुरु पूर्णिमा उस समय क्यों प्रकट होती है, बड़ा विचित्र और विलक्षण रहस्य है, ये तो गुरु पूर्णिमा के समय स्पष्ट किया जाएगा। आज तो मैं सबको शुभकामना दे रहा हूँ कि वो सभी बिना किसी लापरवाही के किए हुए इस नवरात्रि का पूरा लाभ लें। सबको आशीर्वाद, धन्यवाद।